नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एम जे सैनी और मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंडियन हिस्ट्री लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों, इस चैनल पर आने वाले सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट फॉर्म और एजुकेशन से रिलेटेड डाली जाती हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज हम फिर कोई नया चीज़ सीखेंगे। सो दोस्तों नमस्कार, नई वीडियो में आज आप सभी का स्वागत करूंगा। और दोस्तों आज बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूं, तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आप लोगों के सामने कुछ अलग ही टॉपिक पे बात करूंगा। यानी कि अब मैं आप लोगों को दुबई से रिलेटेड, हाँ जी हाँ, आप सभी को पता है कि मैं हाल ही में अभी भी दुबई गया था, तो भाई दुबई से रिलेटेड काफ़ी सारी जो है इफ़ेक्ट मुझे भी पता लगे हैं। और भाई जो जो लोगों के मुंह से सुने थे वो, और जो मैंने खुद वहाँ पर जाके देखा है आप लोगों को, वो एक एक करके मैं इस वीडियो के अंदर तो नहीं, लगभग इसके 10 पार्टों के अंदर आप लोगों को एक एक करके सारे के सारे वहाँ के और भी कुछ है वहाँ पर, दुबई किस चीज़ से फेमस है आप लोगों को जो है मैं उसके बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। आप रेगुलर 10 पार्टों में आप लोगों को डिवाइड कर करके मैं बताने वाला हूं। यदि आप लोग भी दुबई जाना चाहते हैं या फिर दुबई के बारे में प्लान कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है और क्या क्या आप लोग जो है वहाँ जाके कर सकते हो, आज मैं फुल्ली आप लोगों को अपने इस वीडियो के अंदर टोटली आप लोगों को पार्ट वाइज स्टेप बाई स्टेप जो आप लोगों को बताता रहूँगा। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देख लेना, और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आप लोगों को इसी प्रकार से टूर एंड ट्रेवल्स की भी पूरी जानकारी जो है मैं देता रहूंगा, जहां जहां मैं खुद जाके भी आया हूं। तो आप दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। चलिए शुरू करता हूं आज की वीडियो दोस्तों, बहुत ही जब। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों के बीच में बात करने जा रहा हूं यूएई यानी कि अंटर्ड अरब एमिरेट्स। कुल मिला के ये एक छोटा सा देश है, और इस देश के अंदर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा जो है तरक्की देखने को मिलेगी, और बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर आप लोगों को एक एक टूरिस्ट प्लेस जो है देखने को मिलने वाले हैं। तो आज दोस्तों दुबई के मैं सबसे मेन जो शहर है दुबई को दुबई के नाम से ही जाना जाता है, वैसे इसका नाम यूएई है, तो भाई दुबई के नाम से जो है पूरा का पूरा यूएई मशहूर है, और उसी के अंदर आप लोगों को दुनिया भर के टूरिस्ट जो है मिलते हैं। तो आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहले दुबई के बारे में। दोस्तों दुबई देश एक बहुत ही ज़बरदस्त देश है, अब मैं खुद वहाँ पे जाके आ चुका हूँ, तो बहुत ही ज़बरदस्त देश है। आप लोगों को एक से एक जो है टेक्नोलॉजी देखने को मिलने वाली है वहाँ पे, और एक से एक बिल्डिंग है, क्या नज़ारा है, आप लोग सोच भी नहीं सकोगे। अगर आप लोग खुद जाओगे तो आप लोग देख के हैरान हो जाओगे कि इतना ज़बरदस्त शहर है, इतनी साफ़ सफाई, इतना अच्छा। और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं देश कैसा है। देश तो भाई देखिए बहुत ही ज़बरदस्त देश है, कोई भी जो इसके बारे में बुराई नहीं कर सकते हम लोग, तो बुराई करने के लायक भी नहीं है, क्योंकि भाई वहाँ की जो गवर्नमेंट है एकदम साफ़ सुथरी तरीके से काम करती है, हर एक चीज़ को जो है मैनेज करके रखा हुआ है। तो भाई दुबई जो है एक जितने भी गल्फ देश है उनमें से सबसे बेस्ट जो माना जाता है वो दुबई को माना जाता है दोस्तों, क्योंकि दुबई के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, और बहुत ही ज़्यादा टूरिस्टर भी जो है वहीं पर आते हैं। तो भाई कुल मिला के अगर मैं बात कर लेता हूँ वहाँ के लोगों के बारे में, सबसे पहले दोस्तों लोग बहुत ही अच्छे हैं, लगभग वहाँ की जो पॉपुलेशन जो वहाँ के मेन लोग हैं वो तो बहुत ही कम है, लेकिन उससे ज़्यादा जो है वहाँ पे इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली वगैरह सारे के सारे जो अदर कंट्री से जो है उसके अंदर आए हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लोग हैं वहाँ पे, रूल सभी फॉलो करते हैं, चाहे वो किसी भी देश से हो या फिर उसी देश के बंदे हो, बहुत ही बढ़िया उनका लोगों का कल्चर है, रहना सहना सब कुछ बढ़िया है वहाँ पे। दूसरे बात मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों इसके अंदर तापमान की, सबसे पहले बात आती है दुबई का, आप सभी को पता है कि भाई बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ही हार्ड गर्मी होती है, लेकिन जैसे जिन दिनों मैं गया था नवंबर दिसंबर के आसपास, वहाँ पे जो है मौसम बहुत ही क्लियर कट बने की बहुत ही अच्छा मौसम था, ना ही तो वहाँ पे कोई गर्मी थी और ना ही कोई ज़्यादा सर्दी थी। तो दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि नवंबर दिसंबर से लेकर जनवरी तक तो लगभग मौसम जो है बिल्कुल नॉर्मल रहता है, जैसे आप लोग आम इंडियन जो है इंडियन देश में देख सकते हो, तो ऐसे ही जो है वहाँ पे कुल मिला के टेम्परेचर रहता है। उसके बावजूद अगर मैं बात करूँ वहाँ पे फरवरी से लेकर अक्टूबर तक जो है तापमान बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है, यानी कि 54-55 डिग्री के सेल्सियस पे जो है वो टप जाता है। तो दोस्तों कुल मिला के बात कर लेते हैं कि देश कैसा है, देश बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छे लोग हैं वहाँ पे, बहुत ही अच्छे अच्छे काम आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। तापमान की बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया तापमान है वैसे, लेकिन जब ज़्यादा गर्मी होती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो आप लोगों को एसी वगैरह की भी सुविधा मिलती है, तो वहाँ पे जो आप तो दोस्तों वहाँ पर आप लोगों को हर एक चीज़ के अंदर एसी देखने को मिलेगा, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो मॉल हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई भी स्थान क्यों ना हो, वहाँ पर आप लोगों को एक एसी जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई ठंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो लगभग 90% से भी ज़्यादा लोग वहाँ पे जो है एसी में ही काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे जितने भी मजदूर वगैरह है वो सारे तो आप सभी को पता ही है कि भाई लोकल अगर गर्मी का भी काम है तो गर्मी में करना ही पड़ेगा उनको। तो कुल मिला के दोस्तों आज मैं तीनों स्टेप के बारे में आप लोगों को बता दिया कि दुबई बहुत ही अच्छा देश है और बहुत ही बढ़िया लोग भी हैं वहाँ के, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से जो है मुलाकात भी की है, और भाई बहुत ही अच्छा जो है वहाँ का तापमान भी रहता है, क्योंकि ठंड रात के समय ठंड हो जाती है, लगभग दिन के समय में जो है आप लोगों को वहाँ पे धूप मिलने वाली है, लेकिन जो लोग वहाँ पे काम करते हैं उनको जो है एसी वगैरह का ही लगभग ज़्यादा काम मिलता है, क्योंकि एसी वगैरह ही बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं वहाँ पे हर एक चीज़ के अंदर।
तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को ये तीन बातें समझ में आ गई होंगी। तो अभी मैं आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में बताने वाला हूँ रूल कैसे हैं वहाँ के, जात पात से रिलेटेड क्या है वहाँ की सिचुएशन, और टोटल जितनी भी जो आबादी है उस देश के बारे में। तो तीन पार्ट को जो मैं अगले बार आप लोग को जो बताने वाला हूँ। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि इसी प्रकार से जो है मैं दुबई से रिलेटेड आप लोग को 10 पार्टों में मेन मेन बात जो है दुबई की पूरी बता दूंगा। यदि आप लोग भी दुबई जाने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप लोगों को सेफ तरीके से और सही तरीके से क्या क्या लेके जाना है और क्या क्या नहीं लेके जाना है वो मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।